हे दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो आप सीन देख रहे हो, ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कौन सी मेट्रो किस रूट पे जाती है, कौन सी लाइन किस रूट के लिए बनी हुई है। दोस्तों, इसी सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, हम आपको जो सबसे पहले बताने वाले हैं, दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं ग्रे लाइन के बारे में। तो दोस्तों, ग्रे लाइन का जो मेट्रो है वो किस ओर से जाती है, तो आप देखते रहिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो आ रही है मेट्रो, एक ग्रे लाइन का है। आप इसमें देख सकते हैं ग्रे लाइन का ये बॉर्डर बना हुआ है, आप ये देख सकते हो। दोस्तों, एक ग्रे लाइन का जो ये मेट्रो है दोस्तों, ये द्वारका से लेके धांसा बस स्टैंड तक जाती है। दोस्तों दोस्तों, इसके बीच में जो है टोटल 4 मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, ये इस टाइप का कुछ मेट्रो है ग्रे लाइन का, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, उसके बाद आता है मेरा ग्रीन लाइन मेट्रो। दोस्तों, ये जो ग्रीन लाइन मेट्रो है दोस्तों, ये दो रूट पे चलती है। दोस्तों, एक तो है मेरा इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक। दोस्तों, इसके बीच में जो है दोस्तों 23 यानी 23 स्टेशन है। और दोस्तों, एक जो है मेरा कीर्ति नगर से लेकर के ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक जाता है। तो दोस्तों, कीर्ति नगर जो है एक स्टेशन बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप उसमें एक स्टेशन बढ़ा सकते हैं। इतना स्टेशन जो है होशियार सिंह से लेकर कीर्ति नगर के बीच में है, आप ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से है मेरा ग्रीन लाइन का मेट्रो। दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा रेड लाइन मेट्रो है। दोस्तों, मेरा रेड लाइन मेट्रो जो है दोस्तों, ये रिठाला से लेकर के शहीद स्थल तक जाता है। दोस्तों, इसके बीच में जो है टोटल 29 यानी 29 मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रेड लाइन का बॉर्डर इस मेट्रो में बनाई गई है। ये रेड लाइन मेट्रो है दोस्तों, आप ये देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद आप ये कुछ दिल्ली मेट्रो का मैप देख लीजिए, इस तरह से है। उसके बाद येलो लाइन मेट्रो आता है। दोस्तों, आप ये येलो लाइन का मेट्रो आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों 8 बोगी है। दोस्तों, ये थोड़ी लंबी दूरी सफ़र करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये येलो कलर का बॉर्डर बना हुआ है। दोस्तों, ये समयपुर बादली से लेके हुडा सिटी सेंटर तक जाती है। दोस्तों, ये आप येलो लाइन का बॉर्डर इसमें देख सकते हैं, येलो मेट्रो में। दोस्तों, ये 8 बोगी का है। दोस्तों, आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, उसके बाद मेरा आ जाता है मेजेंटा लाइन मेट्रो। दोस्तों, ये मेजेंटा लाइन मेट्रो जो है दोस्तों, ये जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटनिकल गार्डन तक जाती है। दोस्तों, इसके बीच में जो है टोटल 25 स्टेशन है, 25 मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, आप ये देख सकते हो किस इस तरह से है मेजेंटा लाइन। दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हो एक गेट जैसे अब लगने वाला है, तो हम तो सजेशन देंगे कि आप गेट लगने वाला हो तो आप नहीं जाइए। जैसे आप देख सकते हो व्यक्ति वहाँ से लौट गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जाना है तो आप अंदर जाने से पहले आप अपना पैर को आगे बढ़ा दें, तो उसमें दोस्तों सेंसर लगा होता है, तो गेट नहीं लगेगा। गेट फिर से एक बार खुल के लगेगा, उतना देर में आप उसके अंदर मतलब मेट्रो के अंदर जा सकते हैं दोस्तों। और ये मेट्रो जो है दोस्तों 5 मिनट में, जैसे आपको मेट्रो छूट गया तो 5 मिनट में आते रहता है, आप फिर से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मेरा आता है पिंक लाइन मेट्रो। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पिंक लाइन मेट्रो है, ये कुछ इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं और नीचे में भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो पिंक लाइन मेट्रो है दोस्तों, ये मजलिस पार्क से लेके शिव विहार तक जाती है। दोस्तों, इस मेट्रो स्टेशन में दोस्तों टोटल 38 यानी 38 मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, उसके बाद जो है ये मेरा है वायलेट लाइन मेट्रो। दोस्तों, ये आप देख सकते हो वायलेट लाइन मेट्रो है। दोस्तों, ये वायलेट लाइन मेट्रो जो है दोस्तों, ये कश्मीरी गेट से लेके राजा नाहर सिंह तक जाती है। दोस्तों, इसमें जो है टोटल 38 यानी 38 मेट्रो स्टेशन है, आप ये देख सकते हो। वायलेट लाइन का मेट्रो कुछ इस तरह से है दोस्तों। इसमें जो है इस मेट्रो में 6 बोगी है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद आता है ब्लू लाइन मेट्रो। दोस्तों,
ब्लू लाइन मेट्रो जो है ये भी दोस्तों दो रूट पे चलती है दोस्तों। पहला जो है नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी से लेके द्वारका सेक्टर 21 तक जाती है दोस्तों। इसके बीच जो है 50 मेट्रो स्टेशन है और जो दूसरा रूट है वो वैशाली से लेके यमुना बैंक तक जाती है दोस्तों। इसमें जो है टोटल 8 मेट्रो स्टेशन है दोस्तों। ये आप देख सकते हो किस इस तरह से ब्लू लाइन मेट्रो है दोस्तों। इसमें है 8 बोगी है और दोस्तों दिल्ली में जो है चार कैटेगरी में मेट्रो आता है, एक है 4 बोगी का, एक है 6 बोगी का, एक है 8 बोगी का। तो दोस्तों ये जो कम दूरी तय करती है दोस्तों उसमें 4 बोगी का है, जो बड़ा दूरी तय करने वाला उसमें 8 बोगी का है, और जो में बीच में रहती है मतलब उतना नहीं कम नहीं ज़्यादा उसमें 6 बोगी दिया रहता है दोस्तों। आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से है ब्लू लाइन मेट्रो दोस्तों। उसके बाद आता है ऑरेंज लाइन मेट्रो दोस्तों, इसको आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये मेट्रो जो है उस सभी मेट्रो के मुकाबला दोस्तों डिफरेंट है दोस्तों। उसमें आप बॉर्डर देखते होंगे कि नीचे और ऊपर होता था सीधे लाइन दोस्तों, पर इसमें आप देख सकते हो राउंड राउंड बॉर्डर बनाया गया है दोस्तों, देखने में खूबसूरत लगती है। इसमें लिखा हुआ भी है एयरपोर्ट एक्सप्रेस दोस्तों, ये उसी के तरफ से बनाया गया है दोस्तों। इसमें टोटल 6 स्टेशन है दोस्तों, ये आप देख सकते हो स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो है इंटीरियर डिजाइन भी दोस्तों डिफरेंट है, उसमें साइड से बैठने वाला होता था पर इसमें दोस्तों सीट दिया गया है, जैसे आप एरोप्लेन वगैरह में आप देखते होंगे सेम दोस्तों उसी तरह से स्टैंडर्ड क्वालिटी में दिया गया, क्योंकि एक्सप्रेस लाइन है तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। ये आप ऊपर में देख सकते हैं इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आया और कौन सा नहीं दोस्तों। अगर आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए हम इसी तरह वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। ये वीडियो हमें शूट करने में बहुत मेहनत लगा, हमें हर एक जगह जाना पड़ा है, हर एक स्टेशन, मेरा आधा दिन तो ये वीडियो बनाने में लग गया।